नमस्कार, मेरा नाम है विनय सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं लल्लन टॉप चुनाव यात्रा। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा की टीम सुल्तान फिलहाल पहुंची है राजस्थान के जैसलमेर, और हम लोगों ने जैसा कि आपसे वायदा किया था कि हम जहां कहीं पे भी जाएंगे वहां के जनप्रतिनिधियों से, वहां के उम्मीदवारों से आपको मुखातिब करवाएंगे। आप लल्लन टॉप के जरिए आज मुखातिब होने जा रहे हैं जैसलमेर से कांग्रेस के कैंडिडेट रूपाराम जी से। रूपाराम जी, स्वागत है आपका लल्लन टॉप में। थैंक यू। अच्छा रूपाराम जी, आप सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आप दलित बिरादरी से आते हैं, दलित परिवार से आते हैं, ऐसे परिवार से आते हैं जिनके लिए शिक्षा अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। आपकी पढ़ाई लिखाई की क्या कहानी है और कहाँ तक आपकी पढ़ाई हुई है? मैंने 5वीं पास मेरे गांव से की और उसके बाद मैं 6ठी से 8वीं तक नाचना, जो यहाँ से हमारे जैसलमेर ज़िले में ही है, समाज कला की छात्रावास, वहाँ से मैंने की। उस वक्त 11वीं होती थी, तो 9वीं से 11वीं मैंने समाज कला छात्रावास जैसलमेर से की। और उस वक्त PET नहीं होती थी, मेरिट से एडमिशन होते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो मेरे उस वक्त फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में परसेंटेज बहुत कम आया करते थे, मेरे 83% थे। तो मेरा जनरल कोटे में एडमिशन MBA इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर में हुआ 75 में, और 80 का मैं पास आउट हूँ MBA इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर से सिविल में। अच्छा, सिविल इंजीनियरिंग आपने वहाँ से पढ़ी। आप किसान परिवार से आते हैं, तो आर्थिक तौर पे आप लोगों का परिवार जो है वो बहुत मजबूत नहीं था, तो ऐसी स्थितियों में आपको पढ़ने के लिए किस तरीके से आपको क्या वजीफे के जरिए आप पढ़े, या समाज कल्याण का छात्रावास के जरिए आपको किन किन क्या ऐसे कारक थे जिनकी वजह से आप वो पढ़ाई में इतने हायर एजुकेशन में आप पहुँच पाए? एक तो मैंने जैसे आपको बताया, स्कूलिंग तक मैं पहले 5वीं तक तो गांव में पढ़ा, तो ज़्यादा खर्चा होता नहीं है, और फिर 6ठी से लेके 11वीं तक मैं समाज कल्याण छात्रा से पढ़ा। बाकी हमारे खेती होती है, थोड़ी मवेशी थी, उससे हुआ। और जैसे मैं इंजीनियरिंग में गया तो हमारे गांव के सेठ है, ठाकुर है, उन्होंने भी हेल्प की जिनके पास पैसा था, और बाकी हमारे जो परिवार की निजी आई थी खेती या मवेशी थे उसको मिलाते हुए और सीमित व्यय करते हुए मैंने इंजीनियरिंग पास की 80 में। 80 तो आपके दौर में उस समय जिस समय आप पढ़ाई कर रहे थे, किताबें वगैरह, आप लोग आपका कोई पढ़ने के दौरान का ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हैं अभी विद्यार्थियों के लिए, जो उनके लिए थोड़ा प्रेरणादायक हो, आपने किस तरीके से पढ़ाई की उस किस्म से? मैं तो यही कहना चाहता हूँ विद्यार्थियों के लिए, कई लोग विद्यार्थी कहते हैं कि घर से गरीब है कैसे पढ़े हैं। मेरी 9th में शादी हो गई थी, तो कई कहते हैं अभी शादी हो गई है पढ़ाई हो नहीं पाएगी, कई लोग कहते हैं अभी पैसे कम है तो पढ़ाई हो नहीं पाएगी। ये कुछ नहीं, ये सब मतलब वैसे सोच को आपको कैसे बदलनी वो है। मेरी 9th की शादी भी, फिर भी मैंने पढ़ाई की, पैसे कम खर्च करने थे तो बुक्स के पूरी पूरी किताबें मेरे पास नहीं थी, तो मेरे सहपाठी जो साथ रहते थे या जो पड़ोसी हॉस्टल में रहते थे उनका जो टाइम था पढ़ाई नहीं करने का या जिस सब्जेक्ट की वो नहीं करते थे, तो उनसे किताबें लेके और पढ़ के हमने इंजीनियरिंग की। अच्छा, इस तरीके से आपने दूसरों की किताबों की मदद से, दूसरों के लोगों की मदद के जरिए आपने अपनी पढ़ाई पूरी की अपने जज्बे की वजह से। अच्छा, एक खास बात हम लोगों को, हम जब आपके बारे में जानकारी निकाल रहे थे तो ये पता लगा कि आप उस क्षेत्र से आते हैं जो क्षेत्र जैसलमेर में कन्या भ्रूण हत्या के लिए बदनाम है। ऐसे में आपकी 3 बेटियाँ हैं, आपने उनको खूब अच्छे से पढ़ाया लिखाया, तो वो एक पिता के तौर पर, एक तो आप एक बेटे के तौर पर जिस तरीके से आपने स्ट्रगल करके पढ़ाई की, और दूसरा एक पिता के तौर पर आपकी पढ़ाई किस, आपका जो उनका लालन पालन है या उनकी परवरिश है, तो एक पिता की जो जिम्मेदारी होती है उसके बारे में कुछ हमको बताएंगे? हमारे क्षेत्र में बच्ची जब होती है तो मानते हैं कि भाई ये ठीक नहीं हुआ, बेटा होता है तो बहुत बड़ी खुशियां मनाते हैं। तो मेरे को बड़ा लगा कि बच्चे और बच्ची में कोई फर्क नहीं है, तो मैं इस चीज़ को समाज के सामने ये प्रूव करूँ कि भाई बच्चा हो या बच्ची, उसमें कोई फर्क नहीं है, ताकि लोग मेंटली प्रिपेयर हो के दोनों एक ही चीज़ है। तो मेरे, आपने 3 का कहा, मेरी 6 बेटियां हैं, एक बेटा है, तो मैंने उनकी शिक्षा के लिए जो मिनिमम उनको सुविधाएं देनी थी मैंने दी। मेरी बड़ी बेटी है वो MA हिस्ट्री में और इंग्लिश में है, और वो अभी जिला प्रमुख है। उससे जो छोटी है वो, उसने डेंटिस्ट है, अभी PG कर रही है चंडीगढ़ में, और 3rd नंबर पे हैं, उसने पीडियाट्रिक्स में PG की है, और दिल्ली में डॉक्टर है।
फोर्थ नंबर है उसमें, आईटी में इंजीनियरिंग की है और अभी वो आरपीएस है, डीआईएसपी लगी हुई जैसलमेर में। फिफ्थ नंबर पे हैं और डेंटिस्ट है, उसके क्लिनिक है, प्राइवेट जॉब करती है। फिर बेटा है सिविल इंजीनियर है और उसने एमबीए कर रखी है, बिजनेस देखता है। सबसे छोटी बेटी है, उसने बीटेक यहाँ से की और एमटेक कैलिफोर्निया में की, अमेरिका में, वो भी वहीं जॉब करती है। तो इस प्रकार जब मेरी बच्चियाँ अभी जो राज की नौकरी में नहीं हैं, वो अभी गांव-गांव घर कर प्रचार भी करते हैं मेरे इसके जो भी चुनाव का प्रचार चल रहा है, तो वो सब लोग देखते हैं, सब जगह लेडीज से जेंट्स से बात करती है। तो जिले के अंदर ये हुआ कि नहीं बेटियाँ हम जो नहीं रखी जिसने, उनको पछतावा है, या बच्ची होने पे जो गमगीन हो जाते थे, तो मेरी बच्चियों को अभी जो भी एक्टिविटीज़ सोशल वेलफेयर के वर्क हैं, अभी चुनाव प्रचार है, वो जब देखते हुए तो लोगों का ये बड़ा, मेरी जो मन में इच्छा थी कि बच्चियों को शिक्षित करके और दूसरों के सामने उदाहरण पेश करें ताकि बच्चे और बच्ची में भेद नहीं समझे, उसमें मैं सफल हुआ हूँ। और एक थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल, आप जिस दौर में आप कॉलेज में पढ़ रहे थे, जिस दौर में आप अपने आप को गढ़ रहे थे कॉलेज में, ऐसा समय होता है, वही दौर लगभग ऐसा था कि जिस समय भारत में अंबेडकरी आंदोलन जो है, अंबेडकरवादी जो आंदोलन है, अंबेडकरवादी जो विचारधारा है, वो बहुत तेजी से फैल रही थी। दलित पैंथर्स का मूवमेंट हो, चाहे महाराष्ट्र उसका गढ़ था, उसके बाद में चीज़ें यूपी शिफ्ट हुई। तो एक छात्र के तौर पे, कॉलेज के छात्र के तौर पे, एक नौजवान के तौर पे, अंबेडकर बाबा साहब का आपके जीवन के ऊपर, आपकी विचारधारा के ऊपर क्या असर रहा? बाबा साहब ने फर्स्ट जो लाइन कही थी वही कही थी, शिक्षित बनो, तो उसी लाइन पर हम शिक्षित बन गए। बाबा साहब के जो सोच थी और जिन्होंने दलितों के लिए इतना किया था, वैसे बाबा साहब को सिर्फ दलितों के लिए कहते हैं ये गलत है, उन्होंने जैसे संविधान बनाया तो उसमें व्यवस्थाएं हैं सभी के लिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सिर्फ दलित महिलाओं के लिए नहीं है, उन्होंने सबके लिए किया। लेकिन चूँकि दलित उस वक्त बहुत पिछड़े हुए थे, तो उन्होंने उनको अपलिफ्ट करके औरों के आजू बाजू आए, उसके लिए उन्होंने पहला कहा था भी शिक्षित बनो, तो उसके अंदर मैं शिक्षित बना। फिर संगठित होने का मतलब ये है कि जो और अनपढ़ है दलितों में, उनको भी साथ लेके उनको भी आगे पढ़ाओ, ठीक है ना, और ये एक संघर्ष होता है। तो फिर इसके अंदर ये संघर्ष करके, इजीली तो आप सबको शिक्षित कर नहीं सकते, तो इसके लिए संघर्ष करके और शिक्षित बनाओ, सबको मिलाओ। मूल मंत्र शिक्षा का था, शिक्षित होने पे आगे स्वतः ही समाज का उत्थान, उस परिवार, एक जैसे मैं शिक्षित हुआ, मेरे पिताजी ने मजदूर करके मुझे पढ़ाया, तो फिर मैं नीची वाली पीढ़ी को तकलीफ नहीं आ रही, तो वो संघर्ष तो था ही, मेरे पिताजी ने संघर्ष किया तब शिक्षित बनाया, ये है। आप बाबा साहब के का जो योगदान है उसको सिर्फ दलितों से सीमित नहीं मानते हैं, आप ये मानते हैं कि हर समाज के लिए और खासतौर पर भारतीय लोकतंत्र के लिए जो बाबा साहब का योगदान है वो बहुत, उसको अनुकरणीय है, उसको मतलब एक तरीके से सराहा जाना चाहिए उसको एक तरीके से एक, लेकिन बाबा साहब का योगदान भारतीय संविधान तक ही नहीं ना, मतलब वो अम्बेडकराइट एक पूरी की पूरी राजनीतिक विचारधारा है इस देश में। बहरहाल रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा बहस के केंद्र में है इस दौर में भी, तो आपको क्या लगता है कि पिछले 50 साल में क्या हासिल रहा है रिजर्वेशन का इस देश में? आज रिजर्वेशन के लिए लोग जो चर्चाएं करते हैं कि रिजर्वेशन अब ख़त्म करना चाहिए, तो आज इंडिया के अंदर करीब 16-17% शेड्यूल कास्ट है और करीब 11-12% शेड्यूल ट्राइब्स है। उसमें से कुछ लोग आगे बढ़ गए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उनका सुधार हो गया है। गाँव के अंदर अभी भी, शहरों में भी, उनको सामान्य वर्ग से अलग देखा जाता है। छुआछूत भी अभी कई जगह है, अत्याचार भी होते हैं। तो जब ये सब भेद खत्म नहीं हो तब तक ये रिजर्वेशन रहना चाहिए। अगर शिक्षा नहीं होती तो फिर वही हालत रहती जैसे थे। अब सुधार हुआ है लेकिन सब कुछ नहीं हुआ है, अभी उसकी आवश्यकता है, अभी उसकी आवश्यकता है। आपको, आपका ये कहना है कि जो चीज़ें हैं उनको बदलने में थोड़ा सा वक्त और लगेगा और रिजर्वेशन आज के दौर की ज़रूरत है।
अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि पिछले 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी का शासन इस देश में रहा है, उस दौरान दलितों के अंदर एक छटपटाहट पूरे देश में देखी गई है, चाहे वो ऊना कांड हो, उससे पहले चाहे जो आईआईटी जो स्टडी अम्बेडकर स्टडी सर्किल था, फिर रोहित निर्मला का की बात हो, चाहे ये 2 अप्रैल का जो एजिटेशन था उसके दौरान। तो आप पूरे के पूरे इस सरकार के कार्यकाल को दलितों के लिहाज से किस तरीके से देखते हैं? सही में जो अत्याचार होता है, किसी का शासन हो, अत्याचार जीरो तो नहीं हो सकते, लेकिन एक राज का जो डर होता है, अत्याचार जो कम होते हैं, भय होना चाहिए। एक घर के अंदर भी एक मुखिया होता है तो उसका भय होता है, तो घर कंट्रोल में रहता है, सब डिसिप्लिन वे में रहते हैं। इस जो भाजपा का राज आया, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भिन्न भिन्न स्टेट्स, उसके अंदर जो शरारती तत्व थे, जो जुर्म करने वाले थे, जुर्म करने वाले की जाति नहीं होती है, पर अधिकतर सक्षम समाज से हैं, वो जुर्म करते हैं। और जुर्म उन पे करते हैं जो जुर्म को स्वीकार करते हैं या उसका एकदम विरोध करने के लिए सक्षम नहीं है, इसलिए वो दलित समाज की बारी आती है, जुर्म उन पे होता है। अब जुर्म होते ही अगर संबंधित जो गवर्नमेंट है उस स्टेट की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे केस हो, जैसे रूल्स में आता है, तुरंत एक्शन लेके और उसको देखें, सब दुनिया देखें कि ऐसा करने से ये होता है। लेकिन पिछले 5 वर्षों में जुर्म करने वालों का ही पक्ष लिया गया, जिस पे जुर्म हुआ उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, एफआईआर तक लोज नहीं होती है। तो जुर्म करने वाले हैं उनका और हौसला बुलंद होता है और वो जुर्म करना एक सामान्य प्रक्रिया समझता है, जिसके अंदर कोई बच्चियों के साथ बलात्कार हो गया, मार डाला गया, उसको एक सामान्य प्रकार की घटना मान लेते हैं। और उसको सामान्य प्रकार की घटना मानते हुए पॉलिटिशियन जो अभी गवर्नमेंट है वो शेय देती है, तो ये जुर्म को बढ़ावा देने वाली है। उनके दिल में दलित है वो भी इंसान है, सामान्य वर्ग से वो भी इंसान है, तो किसी के साथ जुर्म होना ये प्रजातंत्र के अंदर होना ही नहीं चाहिए। नहीं होना इसके लिए ये है कि जो कानून व्यवस्था है सख्ती से उसकी पालना की जावे, उस जुर्म के लिए जो सजा दी जावे उसमें मिनिमम टाइम दिया जावे, ताकि हर एक को लगे मैं ऐसा करूँगा तो मुझे भी होगा। 20-20 तक सजा नहीं होती है, ट्रायल नहीं होती है, तो जुर्म बढ़ा है इस राज में, अधिक बढ़ा है इस राज्य में, अधिक बढ़ा आपका ये कहना। चलिए, ये तो हुई आपकी राजनीतिक विचारधारा के बारे में आपकी क्या समझ है, राजनीति के बारे में आपकी क्या समझ है, हल्का फुल्का हम आपको उस बारे में भी पूछना चाह रहे थे। दूसरी चीज़ ये है कि आप जैसलमेर के बारे में आपके एजेंडेज क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं, 5 साल में आपने क्या तय कर रखा है कि अगर आप अगर MLA बनते हैं, आप विधायक बनते हैं, तो आप इस क्षेत्र में क्या विकास करना चाहेंगे? जैसलमेर जिले में सबसे जो मोटी समस्या है वो पीने के पानी की है। पीने के पानी की, मैं भी PC विभाग का अधिकारी था, असिस्टेंट इंजीनियर के चीफ निर्देशक की मैंने यात्रा की, तो अभी जिले में अस्त व्यस्त स्थिति पड़ी है। जहां वाटर सप्लाई की स्कीम्स जो कमीशन हो चुकी है, जो चालू थी, उसमें भी 50% गांव और ढाणियां में पानी नहीं जाता, कोई कंट्रोल है नहीं, मटेरियल मैनेजमेंट प्रॉपर है नहीं, लेबर की कमी है, इंजीनियर्स के पद खाली पड़े हैं, लेबर जो रिटायर होगी उसके जगह आउटसोर्सिंग के टेंडर नहीं हुए। तो सबसे पहली तो पीने के पानी की जो समस्या है, कुदरत हर इंसान को, पशु को, पक्षी को, हिंदुस्तान में कम से कम हवा कुदरत देती है, गवर्नमेंट को या किसी इंडिविजुअल को मैनेज नहीं करनी पड़ती है। लेकिन सेकेंड चीज़ है, जीवित रहने के लिए जीव को पानी चाहिए, उसकी व्यवस्थाएँ अस्वस्थ हैं। गाँव के अंदर ढाणियों के अंदर 2-2 हज़ार से टैंकर लाते हैं, जिनके पास बच्चों को पालने के लिए राशन नहीं है। तो सबसे पहले तो पीने के पानी की जो समस्या है उसका विधिवत प्लान करके, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके, और लोगों को तकलीफ नहीं हो तो उस ढंग से हाथ में काम लेंगे और फाइनेंस की व्यवस्था करके इसको ठीक करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ कैनाल आई हुई नहर है, तो नहर के अंदर भी सिंचित भूमि है, उसे आय के सोर्सेज है, अभी कोई कंट्रोल नहीं है। जैसलमेर के हिस्से का पानी
गंगानगर लेता है, हनुमानगढ़ लेता है, वहाँ का मंत्री है तो मंत्री जी ये लगता ऐसा है कि अभी वो राजस्थान के मंत्री नहीं, हनुमानगढ़ और गंगानगर के ही हैं। तो उस अव्यवस्थाएँ हैं उसको कंट्रोल में लेंगे, जिस जिले के किसानों का जितना शेयर है वो पानी वहाँ मिले, जैसलमेर जिले के अंदर जो कच्ची शाखें हैं, नाले हैं, टूटी पड़ी है, यहाँ पानी के आने के बाद में लीकेज हो जाते हैं, ये ऑपरेशन हो जाते हैं, तो उसको विधिवत डिसिल्टिंग करना, कवर्ड करना, इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे आने के बाद में पानी का फुल यूटिलाइजेशन हो। और पानी चोरी भी होता है तो चोरी नहीं हो, जिस किसान के हक में भूमि के अनुपात में पानी हो उनको सप्लाई हो ताकि उनकी आर्थिक स्थिति है वो सुधरे। इसके अलावा यहाँ टूरिज्म का काफ़ी स्कोप है, कई जैसे जैसलमेर किला है, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स हैं, कार्विंग का है, सम सैंड्यून्स है, कल्चर है, तो इसके मामले में कुछ और टूरिस्ट पॉइंट सेलेक्ट करके और पहले जो टूरिस्ट पॉइंट सेलेक्टेड है उसमें ए व्यवस्थाएँ हैं उसको कंट्रोल करके, ताकि एक बार पर्यटक यहाँ आवे वो दूसरों को सलाह दे भी जाना चाहिए, तो इस पर भी पूरा वर्क करेंगे। यहाँ जैसलमेर जिले का और मेरी विधानसभा का, विशेष करके मेरी विधानसभा का एरिया है वो 28,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि इजराइल देश का 18,000 ही है। तो इजराइल से डेटा है जो एजुकेशन के लिए किसी एमएलए को कहा जाता है आपको इतनी स्कूल देंगे, डिस्पेंसरिंग या जो नर्सेज बैठती है ये पॉइंट इतने दिए जाएंगे। आज जैसलमेर विधानसभा का एरिया राजस्थान की 35 विधानसभा के बराबर है और जिसमें 5 जिले कवर होते हैं, तो 35 एमएलए को जो देते हैं उतना ही देना चाहिए, क्या एरिया शिक्षा के तो डिस्टेंस से रिलेटेड है। तो इस प्रकार की कई चीज़ें हैं जो यहाँ के लिए स्पेसिफिक है, वो एक गवर्नमेंट से अनुमति करा के जो अभी शिक्षा और हेल्थ में दिक्कत है उसको करेंगे। और उसके अलावा जो माइंस और मिनरल है जिसमें जो और स्कोप है, यहाँ हर एक को धंधा मिले उस पर भी काम करेंगे। पशुधन का यहाँ काफ़ी स्कोप है, तो पशुधन के लिए भी कोई चारागाह वगैरह डेवलप करके और उन्नत किस्म के पशु रखें जिससे उनका आर्थिक आधार सुदृढ़ हो, इस प्रकार के छोटे मोटे और भी जैसे कई ऐसी चीज़ें हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में क्या करने की। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, और जितनी भी जो एजुकेशन के अभी स्कूल हैं तो उसमें टीचर नहीं है, तो एक तो नए इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज खुलवाने के संबंध में आगे कार्रवाई की जाएगी योजनाबद्ध तरीके से, और जो स्टाफ्स की कमी है उसको भरा जाएगा, और जो उसके अलावा कंप्यूटर और कई फर्नीचर वगैरह नहीं है वो पूर्ति की जाएगी। कई जगह पाँचवीं करने के बाद बच्चों और बच्चियों को बहुत डिस्टेंस में जाना पड़ता है, तो मिनिमम डिस्टेंस पे 12वीं स्कूल हो, 10वीं हो, 8वीं हो और 5वीं स्कूल उपलब्ध हो, इस लाइन पे काम करके एजुकेशन में जो भी इम्प्रूवमेंट है जितनी मिनिमम नीड है उस पर वर्क करेंगे। अच्छा, और ये आपका जैसा आप बता रहे हैं कि बहुत लंबा चौड़ा विस्तृत क्षेत्र है, तो यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ जो है वो बहुत बड़ा इशू है, गांव में लोगों के पास में प्राइमरी हेल्थ की सर्विसेज नहीं है, अगर वो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, ज़्यादा बिगड़ जाती है, तो गांव से जैसलमेर पहुँचने में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है तो बड़ा लंबा वक्त लग जाता है, और यातायात के साधन भी उस तरीके से उपलब्ध नहीं क्योंकि बहुत फैला हुआ और यहाँ पे डेंसिटी इंसानों की बहुत कम है, तो उस तरीके से लगातार चलती हुई सड़कें भी नहीं हैं। तो आप प्राइमरी हेल्थ के विषय में क्या सोचते हैं? अभी यहाँ जिले में 140 ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर है, 50% पे नर्सेज वगैरह नहीं है, तो यहाँ जो एक मूवमेंट होता है वो 15 किलोमीटर से अधिक डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए जो आपको मिनिमम मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध हो, तो इसके लिए ग्राम पंचायत जितने भी हेडक्वार्टर है उस पर तो मेल या फीमेल नर्स हो ही हो, और उसके अलावा जो डिस्टेंस ज़्यादा है तो बड़े बड़े गांव हैं तो लगभग 15 से 20 किलोमीटर में फैसिलिटी उपलब्ध होनी चाहिए। इसमें शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के प्लान बना के और गवर्नमेंट मतलब जो राजस्थान गवर्नमेंट है उसकी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये योजना हाथ में ली जाएगी। अच्छा, दो सवाल आपके नौकरी के
हवाले से। पहला ये कि आपका लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा, आप माफ़ कीजिएगा जलदाय विभाग में आपकी नौकरी लंबी रही, तो एक तो ये कि आपने तमाम सरकारों के कार्यकाल देखे, तो आपके अनुभव के हिसाब से अभी तक राजस्थान की जो मुख्यमंत्री जिन मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल आपने देखा उसमें से सबसे सख्त प्रशासक या गुड एडमिनिस्ट्रेटर कौन रहा है? मैंने जो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर देखा पॉलिटिशियन में, उसमें शिवचंद जी माथुर, हरदेव जोशी जी, इनका काफ़ी सख्त और अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। और भाजपा का अंदर भैरू सिंह जी का भी एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छा रहा। अच्छा, भाजपा के अंदर भैरू सिंह जी का एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको काफ़ी मतलब ऐसा लगता है कि वो सख्त प्रशासक थे या चीज़ों को अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते थे? दूसरा ये कि आप तो सरकारी अधिकारी थे, उसके बाद में आपके पास अच्छा रिटायरमेंट था, काम भी ठीक ही ठाक चल रहा था, तो आपको राजनीति में आने के लिए क्या प्रेरणा मिली? ये मेरा जो विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र से और उससे आगे बढ़ो तो समाज में जो भी नीडी लोग हैं किसी भी कम्युनिटी के किसी भी वर्ग के, उनकी हेल्प करने की, मैं एक डिपार्टमेंट में था तो अधिकतर लोगों की हेल्प पीने के पानी के लिए करता था। समस्या जितने डिपार्टमेंट सबसे संबंधित होती है, मैं मेरी जो ख्वाहिश थी कि मैं हायर पोस्ट पे पहुँचूँ, चीफ मिनिस्टर से ऊपर पद टेक्निकल में डिपार्टमेंट में राजस्थान में है नहीं, मैं चीफ मिनिस्टर बन गया, 3 वर्ष की सर्विस बाकी थी, तो मेरी शुरू से इच्छा थी। मैं जलदाय विभाग जब सेलेक्ट किया उसमें मेरा पीडब्ल्यूडी इरीगेशन और रेलवे में सिलेक्शन हो गया था। मैं रेलवे में जाता तो मैं इंडिया का चीफ मिनिस्टर बन सकता था। पीडब्ल्यूडी इरीगेशन की उस वक्त बहुत बड़ी वैल्यू थी, पीएचडी को सरकारी पीएफ कहते थे, लेकिन मैंने पानी की तकलीफें देखी थी तो मैंने लोगों की सेवा करने के लिए इस डिपार्टमेंट को चुना। और मैं जब चीफ मिनिस्टर बन गया तब मैंने ऊपर से जो रेडार से देखा लोगों को तकलीफें हर फील्ड में, कई चीज़ें ऐसी होती है जो पॉलिटिक्स में, चाहे लोकसभा में जाओ चाहे विधानसभा में जाओ, वहाँ जाके अपनी योग्यता हो तो आप लोगों के क्षेत्र के विकास के काम, दुख दर्द ज़्यादा दूर कर सकते हो वनिस्पत एक अधिकारी के नाते। ये सोचते हुए मैंने सर्विस करी 35 वर्ष की करके, और 3 वर्ष की रहते हुए सर्विस छोड़ के 2013 में मैं सीधा राजनीति में आया। 2013 में नौकरी के दौरान आप नौकरी आपकी चल ही रही थी, नौकरी से आपने इस्तीफा दिया और 2013 का इलेक्शन पहली बार लगा, ये दूसरा इलेक्शन है आपका, दूसरा प्रयास है। हम लोग आपको खूब शुभकामनाएं देते हैं लल्लन टॉप की तरफ से, आप खूब मजबूती से चुनाव लड़िए, बाकी सब सारा फैसला तो जनता के हाथ में ही है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं लल्लन टॉप की तरफ से। रूपाराम जी शुक्रिया आपको लल्लन टॉप के लिए समय देने के लिए, शुक्रिया।